टीम इंडिया इस वक्त एशिया कप 2023 खेल रही है। भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और 17 सितंबर को फाइनल खेलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। फाइनल में कौन सी टीम से भारत का मुकाबला होगा यह भी तय है, लेकिन फाइनल से पहले टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ सुपर चार का आखिरी मैच भी खेलेगी। इसमें बेंच पर बैठे कुछ प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है। इस बीच विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज भी होनी है। इसमें क्या स्क्वाड होगा इसके बारे में अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा सकता है। वनडे विश्व कप 2023 से पहले 22 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। विश्व कप की तैयारियां के लिए टीम इंडिया के पास ये आखिरी मौका होगा। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा और 22 सितंबर से इस सीरीज का आगाज होगा। ऐसे में इसके लिए बीसीसीआई की ओर से जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान किया जा सकता है। वैसे तो माना जा रहा है कि विश्व कप के लिए जो टीम चुनी गई है वही टीम इस सीरीज में भी खेलेगी। एक दो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई की ओर से जब तक टीम का ऐलान नहीं कर दिया जाए तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। एशिया कप के लिए जो टीम है करीब करीब वही विश्व कप के लिए भी चुनी गई है। एशिया कप में सभी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी पर इस वक्त उंगली उठा नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है तो बदलाव होगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। जहाँ एक और ये सीरीज विश्व कप की तैयारियों के लिए जरूरी है, वहीं कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि विश्व कप से पहले इस सीरीज में कोई खिलाड़ी चोटी लेकर बाहर हो जाए, इसीलिए खास ध्यान रखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई की ओर से इसके लिए कब टीम का ऐलान किया जाएगा और पूरा स्क्वाड क्या होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।